आज बड़ी ही मजेदार बात बताने लगा हूं दोस्तों। आपने सुना तो अक्सर होगा सनातन सनातन धर्म, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा, इस नाम का अर्थ क्या है? क्या आप जानते हैं? नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं बताने लगा हूं आपको। आपने अक्सर सुना होगा पुरातन ग्रंथों में कि चार तरह के युग होते हैं, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग और कलयुग, और चारों युगों का सर्कल हमेशा चलता ही रहता है, एक के बाद एक युग बदलता ही रहता है, और ये सर्कल सदाए के लिए चलता ही रहता है। अगर हम देखें तो हमारे कर्मों के बंधन के बारे में भी ग्रंथों में बताया गया है कि हम जैसा कर्म करते हैं फिर वैसा ही हमें भोगना भी पड़ता है, और ये कर्मों का बंधन भी ऐसे ही चलता रहता है। जैसा हम सृष्टि में कर्म करते हैं वैसा ही आगे चल के हमें भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। और अगर हम देखें तो इस सृष्टि में नदियां समुंदर को जल देती हैं, समुंदर बादलों को जल देता है, और बादलों से जल बारिश के रूप में धरती पे आता है, और ये भी सर्कल ऐसे ही चलता ही रहता है। और यही नहीं दोस्तों, दुनिया में ऐसी अनेकों चीजें हैं जो अनंत काल तक चलती ही रहती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, और इसी का मतलब ही सनातन है, यानी कि सत्य। सत्य यानी कि अनंत काल से जो चीजें चलती ही आ रही हैं और जो चलती ही रहेंगी। यही नहीं दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म के ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें भी इस चीज का वर्णन है कि मनुष्य का जन्म सनातन धर्म से, अन्य देवी देवताओं का जन्म भी सनातन धर्म से ही हुआ है, और उन्होंने ही मनुष्य का मार्गदर्शन किया है, पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलने का रास्ता बताया गया है। यही नहीं दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार अगर आप देखें तो सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब सनातन ही बताया गया है, और इस बात का भी वर्णन है कि ईश्वर ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और सत्य ही सनातन है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हो कि सनातन धर्म के मूल तत्व क्या है? तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आता है अहिंसा, लेकिन अगर धर्म पर संकट आता है तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दया, जप, तप, यम, नियम, आसन, और अगर किसी में ये श्रेष्ठ गुण है तो वही सनातनीय कहलाने के लायक